Good morning, students. I am Omdev Chakravarti. Today, I will discuss a new subject, financial management. ये financial management सबका है, third year में जो है, जो sixth semester जो exam दे रहा है, CA, CMA, intermediate में, और MBA का students who are doing MBA in finance. ये सबका लिए, course में है, important है. Already it is announced that जो सिक्स सेमेस्टर में है, जो फाइनल सेमेस्टर में स्टूडेंट्स है, आर दोज हु आर गिविंग एग्जाम फॉर थर्ड ईयर, उसका तो एग्जाम होगा, चाहे जून का एंड में हो, चाहे जुलाई का शुरू में हो, लेकिन होगा. टेंशन यही है कि क्लास तो कुछ नहीं हुआ, ना कुछ प्राइवेट ट्यूशन हुआ, ना कॉलेज में क्लास हुआ, लॉकडाउन है, तो हम कैसे लिख पाएंगे, कैसे हम पास करेंगे. अच्छा नंबर का तो बात छोड़ो. तो इसलिए एक दिन बाद मेरा चैनल में ओम कॉमर्स कोचिंग जो चैनल है मेरा, उसी चैनल में एक दिन बाद जो इंपॉर्टेंट दो सब्जेक्ट है थर्ड ईयर के लिए, अकाउंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका ऊपर वीडियो आते रहेगा. और जो जो सम हम कराएंगे इस दो सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर में जो जो सम हम कराएंगे, सिर्फ उसी सम करके जाओगे तो मेरा गारंटी है पास तो होगा ही, अच्छे नंबर भी आ जाएगा. सिर्फ तुमको क्या करना होगा, ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा, और आपका वीडियो देख के कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको प्रॉब्लम तो प्रैक्टिस करना होगा, तो प्रॉब्लम कहाँ मिलेगा. तो मेरा 9836955744 और 8961888451 जो जो नंबर है वीडियो में, उसी नंबर में तुम एसएमएस करते रहोगे व्हाट्सएप में, तो हम शाम भेजेंगे, तुम फिर करोगे, मुझे भेजोगे, मैं चेक करके दे दूंगा. इसी सिलसिला चलते रहेगा. तो आज से क्लास चालू. आज का सब्जेक्ट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट subject for not only BCom but in CA, CMA intermediate and those who are giving exam for MBA finance, उसके लिए भी बहुत important है. तो उसी अंडर में आज का टॉपिक क्या है, कैपिटल बजटिंग और यू कैन से इन्वेस्टमेंट डिसीशन. कैपिटल बजटिंग इज अ वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर, नॉट रिगार्डिंग नॉट ओनली एग्जाम बट इन प्रैक्टिकल फील्ड. इट्स एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपका अच्छी जानकारी चाहिए. फर्स्ट आपको ये जानना होगा कि कैपिटल बजटिंग क्या है, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग. तो देखो दो वर्ड जो है, कैपिटल एंड बजटिंग, उसमें कैपिटल क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नीडेड फॉर एफए एंड इक्विपमेंट. एफए मीन्स फिक्स्ड एसेट. आपको कैपिटल मतलब ये समझना होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, मतलब लैंड खरीदना होगा, प्लान खरीदना होगा, इक्विपमेंट खरीदना होगा, तो आपका फिक्स्ड एसेट हुआ ना. तो जो एसेट खरीदने के लिए आपको लॉन्ग टर्म फंड चाहिए, दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल. बजटिंग इज सेटिंग टारगेट्स फॉर प्रोजेक्ट्स. सपोज यू वांट टू परचेज ए मशीन ऑफ रुपीज 5 लाख. बाजार में जाओगे तो हर एक कंपनी का एक मशीन मिलेगा आपको, तो आपका पास पैसा है, लेकिन कौन सा मशीन आपको चॉइस करना होगा, ये आपका डिसीजन होगा. इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो इसलिए बजटिंग मतलब कि इज सेटिंग टारगेट्स फॉर प्रोजेक्ट्स. तो आपको कौन सा मशीन खरीदना होगा, देखो लिखा है इंश्योर मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब जो प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे, जो मशीन तुम खरीदोगे, उससे तुमको 100% मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही रहेगा. तो समझ रहे हो ना कितने इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स यू हैव मनी टू बाय मशीन, बट विच वन विल बी परचेस, दैट इज टू बी फाइंड आउट. कौन सा खरीदना होगा, जिसमें आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ठीक है. इट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स. सो यू कैन से कैपिटल बजटिंग इज ए समेशन ऑफ ऑल टेक्निक्स बाय विच यू कैन इवैल्यूएट योर प्रोजेक्ट एंड टेक द राइट डिसीजन. आपका सबसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होगा, उस पर कौन सा प्रोजेक्ट आपको चॉइस करना होगा, ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका है,
तो उसके लिए आपके पास कुछ टेक्निक होना चाहिए, जिस टेक्निक के साथ आप सही डिसीजन ले सकोगे। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है इसका नेचर फीचर क्या होगा, देखो लिखा है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स और प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब क्या होगा, तो सोचो यू आर गोइंग टू परचेज ए मशीन ऑफ 5 लैक्स, बट आपका पास 5-5 कंपनियां का मशीन सामने है, तो इसमें सोचो कि थर्ड जो कंपनी जब है उसका मशीन सबसे तुमको अच्छा लगा, आपका टेक्निक बोल रहा है कि भाई ये खरीदोगे तो प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा, तो चॉइस कर लिया थर्ड कंपनी का मशीन जो है, तो बाकी कंपनी का मशीन क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसी एक को चॉइस करना होगा, तो 2-3 का नहीं, इट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब आपका पास जो प्रोजेक्ट होगा उसमें आपको जो बेस्ट वन है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आप देखो कैसा ये टेक्निक यूज होगा, तो हेडिंग देखो क्या लिखा है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स और मेथड, आपके पास क्या क्या टेक्निक होगा सो यू कैन टेक राइट डिसीजन। तो टेक्निक जो है, जो मेथड्स है उसका दो ग्रुप है, फर्स्ट वन देखो यू कैन से ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स, उसका अंडर में क्या है, पे बैक मेथड है और ARR, यू कैन से अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और यू कैन से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ओके। और जो डिस्काउंटेड मेथड है उसमें क्या है, 4 मेथड है, NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, PI एंड डिस्काउंटेड पे बैक। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड डिस्काउंटेड, ओके। देखो यहां पर दो वर्ड लिखा है, एक डिस्काउंटेड है और एक कंपाउंडेड है। सोचो आज तुम बैंक में 100 रुपए रख रहे हो, टूडे यू आर इन्वेस्टिंग 100 रुपीज इन टू बैंक, तो आज का पैसा है मतलब प्रेजेंट वैल्यू है। सोचो 10% मतलब क्या है, बैंक का इंटरेस्ट क्या है, साल में 10% आपको मिलेगा, तो फ्यूचर वैल्यू मतलब एक साल बाद जो पैसा तुमको मिल रहा है कितना होगा, 110 होगा। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करोगे तो फ्यूचर वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा होगा तो क्या होगा, कंपाउंडेड होगा, तो कंपाउंडेड मतलब इंक्रीज होगा, आज जो 100 है एक साल बाद 110 होगा। लेकिन अब कंपेयर ऐसे करोगे कि फ्यूचर वैल्यू से अगर प्रेजेंट वैल्यू कंपेयर करोगे तो क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू मतलब एक साल बाद जो 110 है वो आज के लिए कितना है, 100 है, तो कम हो रहा है, इसका मतलब ये डिस्काउंटेड है, ठीक है। तो डिस्काउंटेड मतलब फ्यूचर वैल्यू से आज का वैल्यू कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा कम होगा, इसलिए इट इज डिस्काउंटेड। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तुमका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अलग सा चैप्टर है, उससे भी साम आता है, वो बाद में हम कराएंगे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब आज का पैसा और एक साल बाद का पैसा एक नहीं होता है, टाइम का साथ साथ मनी का वैल्यू भी चेंज होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर तुम पकड़ोगे तो वो डिस्काउंटेड मेथड होगा, और तुम छोड़ दोगे तो ठीक है भाई आज का वैल्यू जो है एक साल बाद पकड़ लेते कि सेम वैल्यू ही होगा, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई आप इग्नोर करोगे तो उसका मेथड का नाम हुआ क्या, नॉन डिस्काउंटेड मेथड, क्लियर। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन डिस्काउंटेड मेथड। आपको पता है नॉन डिस्काउंटेड मेथड में कितना मेथड है, 2 मेथड है, एक पे बैक और एक ARR। तो हम पे बैक से शुरू करें, तो पहले पर डेफिनेशन मतलब पे बैक मेथड है क्या, ऐसा मेथड देखो लिखा है, मेथड और टेक्निक बाय विच यू कैन डिटरमाइन द पीरियड विद इन विच इन्वेस्टेड अमाउंट विल बी रिटर्न बैक। मतलब ऐसा मेथड है जिससे पता चला जाएगा कि आपको जो इन्वेस्टमेंट होगा, सोचो कि आप साल के शुरू में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है कोई मशीन से, तो कितने दिनों बाद वो पैसा और बिजनेस से आपको वापस आएगा, वो टाइम आपको निकालना होगा, ठीक है। तो पेबैक मेथड क्या है, जहां पर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो वो इन्वेस्टेड अमाउंट कब आपका पास वापस आएगा, कितने दिनों के बाद, कितने महीने के बाद, कितने सालों के बाद, वो आपको निकालना होगा, ठीक है। सोल्यूशन कैसे होगा, देखो प्रोजेक्ट हैविंग लीज पीरियड इज टू बी सिलेक्टेड। आपका पास जितना प्रोजेक्ट है देखना होगा कौन सा प्रोजेक्ट से आपका पैसा तुरंत आ रहा है, कम समय में आ रहा है, जो लीज पीरियड होगा वही आपका प्रोजेक्ट आपका लिए सही होगा, वो आपको प्रोजेक्ट को उस मशीन को आपको खरीदना होगा, ठीक है। आप प्रॉब्लम में आ जाओ, देखो एक प्रॉब्लम है यहां पर, एक्स मतलब मशीन एक्स और वाई मतलब मशीन वाई, दो मशीन आपका पास है,
इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कैश आउटले, आपको पैसा कितना जा रहा है, इनिशियल मतलब साल के शुरू में आपको खरीदना होगा मशीन, तो कितना पैसा जाएगा ना, दोनों मशीन में सेम वैल्यू है 1 लाख, आपको 1 लाख से खरीदना होगा। प्रोजेक्ट लाइफ मतलब ये मशीन खरीदोगे तो कितने साल तक चलेगा, 5 साल कम से कम चलेगा, यहां पर भी 5 साल चलेगा, ठीक है। कैश इनफ्लो मतलब क्या है, देखो तुम मशीन खरीद रहे हो किस लिए, उस मशीन से प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन सेल होगा, उससे प्रॉफिट आएगा, ठीक है, ये आपका कैश इनफ्लो है। ये जो कैश इनफ्लो है ये सब एक्सपेक्टेड फिगर है, क्यों, नाउ यू आर नॉट परचेसिंग, फर्स्ट यू विल कंपेयर बिटवीन एक्स एंड वाई व्हिच वन विल बी बेस्ट वन फॉर यू, देन यू हैव टू परचेस, सो दीज फिगर्स आर एक्सपेक्टेड ऑलवेज, ठीक है। तो आपका लग रहा है कि 1 साल बाद मशीन वन से आपको 30,000 मिलेगा, अब मशीन वाई से 20,000 मिलेगा, ऐसे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। और देखो ये प्रॉफिट जो है, जो पहले बोला कि ये प्रॉफिट यही कैश इनफ्लो है, तो प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट है, देखो नेट प्रॉफिट BD&T मतलब ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है दो मशीन का, ये लग रहा है ये बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, मतलब ये जो फिगर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है, मतलब एक्सपेक्टेड जो फिगर है इसे आप दो चीज लेस करना होगा, एक डिप्रिशिएशन और एक टैक्स, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन कौन सा मेथड में होगा, SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में होगा, बोल दिया क्वेश्चन में। और टैक्स, टैक्स तो भरना ही होगा क्योंकि आप प्रॉफिट कर रहे हो तो गवर्नमेंट का टैक्स देना होगा, तो टैक्स कितना होगा 40%। तो क्वेश्चन यही है कि डिप्रिशिएशन कहां से आया, भाई यू आर इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड एसेट्स, सो फिक्स्ड एसेट में यूज करोगे तो डिप्रिशिएशन तो होगा, इसलिए डिप्रिशिएशन और टैक्स इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो सोल्यूशन, सोल्यूशन कैसे होगा, पहले टेबल बनाओगे, टेबल में क्या होगा, प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन टेबल लिख दोगे और ब्रैकेट में लिखोगे कौन सा मेथड तुम यूज कर रहे हो, पे बैक मेथड। तो मशीन एक्स फर्स्ट विल डू द मशीन एक्स, कितने कलम है, 6 कलम, फर्स्ट कलम ईयर 1, 2, 3, 4, 5, पीपीडीटी मतलब ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, पीएडी मतलब प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, दो चीज लेस करना बाकी था तो डेप्रिसिएशन लेस किया, डेप्रिसिएशन कितना होगा, इजी है, 1 लाख वैल्यू है और 5 साल लाइफ है, तो डिवाइड करोगे तो स्ट्रेट लाइन मेथड में 20,000 मिलेगा। तो देखो सेकंड कलम में जितना फिगर है सब फर्स्ट कलम, सेकंड जो कलम है पीबीडीटी उससे 20,000 लेस करके लिखा है, 30,000 था, अब पीएडी कितना हुआ, 10,000 हो गया, 35, 15 हो गया, ऐसे, ठीक है। नाउ यू कैन सी द फोर्थ कलम, फोर्थ कलम में कितना है पीएटी, किसका नाम क्या है, पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपका पीएडी फर्स्ट ईयर में देखो पीएडी कितना था, डिप्रिशन लेस करने के बाद कितना पैसा आपका पास है अभी, 10,000, तो गवर्नमेंट कितना ले लेंगे, 40% गवर्नमेंट विल टेक एज टैक्स, तो आपका पास कितना होगा, 60% होगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स पे करने के बाद आपका पास कितना प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो 10,000 था उसमें 40% चला गया तो 6,000 होगा, ऐसे 50,000 उसका 60% 9,000, 20,000 का 12, ऐसे फोर्थ कलम कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डिप्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट कलम है, क्यों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो निकल गया लेकिन डिप्रिशिएशन जो था वो डिप्रिशन क्या क्या होता है तुमको सबको पता है, डिप्रिशन क्या है, नॉन कैश आइटम है, मतलब ऐसा एक्सपेंस है जिसके लिए आपको पैसा नहीं जाएगा बाहर, आपका पास ही वो पैसा रह जाएगा। तो अकाउंटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, डिप्रिशन लेस करता है उसके बाद टैक्स लेस करता है, लेकिन यहां पर जो डिसीजन का बात आएगा तो वहां पर आपका डिप्रिशन का पैसा आपसे हाथ से नहीं जाएगा, वो आपका हाथ में ही रहेगा, इसलिए क्या होगा इस मेथड में आपका डिप्रिशन एड बैक करना होगा, इसका नाम क्या है देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT BD बिफोर डिप्रिशिएशन, मतलब टैक्स लेस करने के बाद डिप्रिशन आपको बिफोर मतलब डिप्रिशन नहीं लिस्ट करना है तो फिर ऐड करना होगा। तो आपका डिप्रिशन कितना हुआ था, 20,000 हर एक साल में, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ था, 6,000, उसका ब्याज 20,000 जोड़ दो, 9,000 सेकंड ईयर में था, 20,000 जोड़ दो, तो हर एक साल के साथ 20,000 आपका जोड़ना होगा, सो यू विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डिप्रिशिएशन। लास्ट कलम क्या है, क्यूमुलेटिव, जो फिफ्थ कलम में जो था वो आप क्यूमुलेटिव मतलब जोड़ जोड़ के लिखना होगा, जैसे फर्स्ट ईयर में 26,000 था तो वही है, सेकंड में कैसे होगा, 55 कहां से आया, 26 प्लस 29, ओके
सिमिलरली थर्ड ईयर में देखो 87,000 है, कहां से आया? तो सेकंड ईयर में टोटल कितना था, क्यूमुलेटिव कितना था 55, उसका साथ थर्ड ईयर में जो 32 था वो ऐड करके लिखा है, ठीक है। तो ऐसे आपका पूरा टेबल बन गया। नाउ यू हैव टू टेक डिसीजन, आपका डिसीजन क्या था कि कौन सा ईयर में कितने साल का बाद मेरा हुआ इन्वेस्टेड 1,00,000 रुपया जो था वो वापस आएगा, इट इज कॉल्ड पे बैक। तो देखो आंसर कैसा है, पे बैक मेथड, ये लास्ट कलम से आएगा। देखो लास्ट कलम में देखो पहले यह साल कितना है 26, सेकंड ईयर में 55, थर्ड ईयर में 87, तो आपका 3 साल चला गया लेकिन 1,00,000 पैसा नहीं आया, ठीक है, 1,00,000 रुपया नहीं आया आपका, तो इसलिए आंसर तो 3 साल हो गई, इसलिए क्या लगा, लिखा है 3 years+। तो आपका करना हुआ क्या, 1,00,000 रुपया कितने सालों के बाद आएगा ये आपका डिटरमाइन करना होगा। तो लास्ट क्लास में देखोगे 3 साल बाद आपके पास 87,000 आया है, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि 3 साल तो जाएगा ही मेरा, और कितना दिन जाएगा, देखो फोर्थ ईयर में आपका कितना पैसा आ गया, 110,000, बट यू नीड 1,00,000 ओनली। तो 87 जो थर्ड ईयर में आया उससे फोर्थ ईयर में कितना ज्यादा आया, 23,000 ज्यादा आया, लेकिन आपको चाहिए था सिर्फ 13,000, क्योंकि 87 तो आपको मिल गया और 1,00,000 रुपए आपको चाहिए, तो 1,00,000 - 87 कितना है, 13 है, लेकिन आपको मिल गया 1,10,000, 10 ज्यादा आ गया तो 23। तो एक साल में आपका 23,000 आया है लेकिन आपको चाहिए था सिर्फ 13,000 टू गेट 1,00,000, इसलिए क्या है, रखो 13,000 / 23,000, मतलब एक साल में अगर 23,000 आएगा तो 13,000 कितने साल में आएगा, तो पॉइंट में आया आंसर 3.57 years। ये आपको मान पे भी कन्वर्ट करना चाहिए था, तो इसलिए क्या हुआ 3 years जो है, और 0.57 × 12, मतलब एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीने, तो 0.57 × 12 करोगे तो देखो आंसर ऐसा आएगा 3 साल 6.7 month, मतलब फर्स्ट मशीन एक्स में अगर 1,00,000 रुपए डालोगे तो इतना समय में आपका। सो फॉर मशीन एक्स पे बैक पीरियड इज 3.6.7 month, ओके 3 years 6.7 month, दैट मीन्स इफ यू इन्वेस्ट 1,00,000 रुपीज इन मशीन ए मशीन एक्स यू विल गेट बैक योर 1,00,000 रुपीज इन 3 years 6.7 month, ओके दिस इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। Now same thing we'll do for machine Y, okay? Same thing we have done for machine Y. Same project evaluation table, payback method, okay? 6 columns are there. And here also from question you will get the second column PBDT. Then depreciation, here depreciation also 20,000. So PAD matlab second column minus 20,000 you will get the PAD. Then tax OB 60% hoga. देन पी ए टी बी डी मतलब रिप्रेजेंट फीड एड करना होगा, और क्यूमुलेटिव मतलब जो फिफ्थ कलम था वो जोड़ जोड़ के लिखना होगा, 20,000 से 26,000 एड करोगे तो 46, देन प्लस 32 78, यू विल गेट दैट फिगर लाइक दिस, ओके। तो पे बैक पीरियड कैसे आएगा, वही आपको 1,00,000 रुपया चाहिए कितने सालों के बाद, तो हियर यू कैन गेट 78,000 इन 3 years, तो आपका आंसर 3 years तो होगा, इसलिए 3 year लिखा है। प्लस और कितना दिन लगेगा, देखो 78,000 ऑलरेडी यू गॉट, आपको चाहिए कितना 1,00,000, तो आपको 22,000 चाहिए, आपको मिल गया 1,04,000, मतलब 4,000 ज्यादा आ गया, तो 26 आ गया, तो सिमिलरली क्या लिखेंगे हम 22,000 चाहिए और आ गया 26, तो आंसर कितना आएगा 3.85, वो महीने में कितना होगा 3 साल और 10 months। सो जो प्रोजेक्ट एक्स में था 3.6 month, यहाँ पर आ गया 3.10 month, ओके। तो दैट्स वाई योर आंसर विल बी लाइक दिस। सो अकॉर्डिंग टू पे बैक मेथड प्रोजेक्ट एक्स इज टू बी सिलेक्टेड एज इट्स पे बैक पीरियड इज लेसर देन दैट ऑफ वाई, क्या बोले थे हम, जिसमें पैसा तुरंत आएगा जल्दी आ जाएगा उसी प्रोजेक्ट हम चॉइस करेंगे, तो यहाँ पर एक्स को चॉइस करना होगा, ठीक है। पे बैक मेथड कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू आवर सेकेंड मेथड, that is average rate of return or accounting rate of return in bracket ARR. First we are giving the definition of ARR. देखो क्या लिखा है, it is a method or technique of capital budgeting by which projects are evaluated by percentage of return on investment. मतलब क्या है, आप जितना पैसे डाल रहे हो उसी पैसे से साल का अंत में आपका प्रॉफिट जो आएगा उसका परसेंटेज कितना होगा।
सोचो आप 1,00,000 रुपए डाले हैं साल के शुरू में और साल का अंत में आपको 20,000 मिला है, तो 1,00,000 में 20,000 मतलब कितना परसेंट हुआ, 20% हुआ। तो हर एक प्रोजेक्ट से आपको ये परसेंटेज निकालना होगा। और इवेल्यूशन कैसे करोगे, प्रोजेक्ट हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रिटर्न, जिस प्रोजेक्ट से आपको रिटर्न सबसे ज्यादा होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो इजी है, ARR इक्वल टू क्या लिखा है, प्रोजेक्ट एस के लिए पहले कर रहा हूं, तो ऊपर लिखा है, देखो ऊपर है एवरेज प्रॉफिट और नीचे क्या है एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट कौन सा है, प्रॉफिट मतलब क्या है, PAT, मतलब आपका प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, जिसे हम पैट कहते हैं, ठीक है। तो पैट मतलब आपको सिंपल जो है वही, आपको डिप्रिसिएशन फिर एडबैक नहीं करना होगा पेबैक के लिए, ठीक है, पेबैक के लिए होता है, लेकिन ARR में जो आपका पैट है वही आपको निला होगा, ठीक है। तो कैसा होगा, देखो आप एक्स में जाओ, देखो एक्स का प्रोजेक्ट जो था उस एक्स का प्रोजेक्ट में आपको पैट कितना मिला था, फर्स्ट ईयर में 6,000, सेकंड ईयर में 9,000, देन 12,000, 3,000 और लास्ट ईयर में नील, तो ऐड करोगे तो क्या होगा, 6 + 9 + 12 = 3 कितना होगा, 30,000 होगा। और कितने ईयर में, 5 ईयर में, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया, देखो यहां पर देखो क्वेश्चन में आंसर में 30,000/5, ये आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और एवरेज इन्वेस्टमेंट में क्या क्या है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब शुरू में कितना पैसे डाले थे प्लस स्क्रैप वैल्यू, मतलब साल जब 5 साल चला जाएगा आपको जो मशीन बेच के आपका स्क्रैप वैल्यू कितना मिलेगा, ये दोनों का एवरेज निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो स्क्रैप वैल्यू कुछ दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं था, इसलिए क्या हुआ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपीज प्लस स्क्रैप वैल्यू 0/2 करोगे तो 50,000 मिलेगा इंटू 100, तो 6,000/50,000 इंटू 100 करने से क्या होगा, 12% होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एक से आपको कितना परसेंटेज निकल आएगा, 12%। सेम थिंग यू विल डू इफ यू डू फॉर प्रोजेक्ट वाई, विल गेट 11%। कैसे ना, 5 साल का में देखो पैट कितना है, देखो पैट PAT, फर्स्ट ईयर में नील 6,000, 12,000, 6,000, 3,000 जोड़ोगे तो कितना होगा, 27। और कितने साल में मिला है, 5 साल में, तो एवरेज कितना होगा, 27/5। और एवरेज इन्वेस्टमेंट तो सेम है, 50,000 ही होगा, इंटू 100 करोगे तो कितना आंसर आएगा, 11%। मतलब मशीन एक्स में जहां पर 12% आपका रिटर्न था, मशीन वाई में कितना होगा, 11% है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, एक्स। सो यू विल सिलेक्ट एक्स बिकॉज यहां पर ARR मोर देन वाई, ओके। तो दोनों मेथड जो था, फर्स्ट वन इट वाज पेबैक एंड सेकंड वन ARR कंप्लीट, ठीक है। तो आपका आप ये जो क्वेश्चन है ये आप कॉपी में लिखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी चाहे हो, कल्याण यूनिवर्सिटी चाहे हो, सीएंटर हो, जो सीए सीएमएंटर हो, आपका जो किताब है उसमें 10 इयर्स में जितना क्वेश्चन आए हैं पेबैक और ARR का ऊपर पूरा करके जाओ, पूरा करो, जहां पर प्रॉब्लम होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है 9836955744 और 8961888451, वहां पर भेजो, जैसे ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है हमसे, तो तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो मेथड के ऊपर आप मास्टर हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपका सॉल्व खुद से ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से रहो, ठीक से रहो, पढ़ाई करो, एग्जाम देना ही होगा और वहां पर पास भी करना होगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में भेजोगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।